Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will study our new topic that is pharmacodynamics. हमने इससे पहले की अपनी क्लासेस के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था. अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फार्माकोडायनामिक्स, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ड्रग आपकी बॉडी के साथ में क्या करती है उसकी स्टडी करना ही फार्माकोडायनामिक्स होता है. What drug does to the body? तो क्या करते भाई, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाती है और क्या करेगी, थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगी, एडवर्स इफेक्ट दिखाएगी, तो वो सारा जो है फार्माकोडायनामिक्स में आता है. तो फार्माकोडायनामिक्स में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन का उसकी साइट ऑफ एक्शन पर, कि साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग की कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप होता है और उसकी वजह से क्या इफेक्ट दिखाई देता है, रिजल्टिंग इफेक्ट, जिसमें टाइम कोर्स, थेरापेटिक की इंटेंसिटी, एडवर्स इफेक्ट, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होती है कि कितने समय का ये कोर्स है, कितनी इंटेंसिटी है इसकी थेरेपी की और कितना ये साइड इफ़ेक्ट दिखाती है, ड्रग जो है कितना साइड इफ़ेक्ट दिखाएगी. ड्रग का इफेक्ट जो है वो साइट ऑफ एक्शन पर पाया जाता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि ड्रग उस रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुई है, नहीं हुई है, हुई है तो लूजली हुई है, टाइटली हुई, कैसे बाइंड हुई है. तो ड्रग का इफेक्ट हम साइट ऑफ एक्शन पर कैसे पता करते हैं कि रिसेप्टर पर ड्रग कैसे बाइंड होती है, और उस रिसेप्टर पर, रिसेप्टर जो साइट का रिसेप्टर है, रिसेप्टर की जो साइट है उस पर कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करती है ड्रग इफेक्ट की इंटेंसिटी, के ड्रग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है उसकी इंटेंसिटी हमें उससे पता चलती है. तो ये देखिए ड्रग एक्शन, मेजर फोर टाइप्स के बायो मैक्रो मॉलिक्यूल टारगेट्स जो हैं ड्रग एक्शन के पाए जाते हैं. पहला एंजाइम, दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन आयन चैनल, तीसरा मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्टर और चौथा होता है रिसेप्टर. ये डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब्सट्रेट इनहिबिटर एंजाइम के साथ में दिखाया गया कि ये एंजाइम बताया गया है. यहाँ जो बीच में ये इसका ग्रूव दिख रहा है वो क्या है, एंजाइम की बाइंडिंग साइट है. उस बाइंडिंग साइट पर सब्सट्रेट और इनहिबिटर दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं, जो पहले बाइंड हो गया वो अपना असर दिखाएगा. अगर सबस्ट्रेट बाउंड हो गया तब तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर इनहिबिटर बाउंड हो गया तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा बल्कि नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बन जाएगा या नहीं ही बनेगा. दूसरा मैकेनिज्म दिखाया गया जिसके अंदर ये ब्लॉकर जो है वो आयन चैनल के रास्ते से अंदर जा रहे हैं या रुक रहे हैं. ब्लॉकर तो ब्लॉक कर देता है, ये आयन जो है नॉर्मली ऐसे चैनल के रास्ते से अंदर चले जाते हैं. तीसरा जो है वो सबस्ट्रेट को और इनहिबिटर को ट्रांसपोर्टर के साथ में बाइंड होते दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्टर सबस्ट्रेट इस ट्रांसपोर्टर पे बाइंड होता है, फिर ट्रांसपोर्टर सबस्ट्रेट को अंदर छोड़ देता है, मतलब सेल के अंदर भेज देता है ताकि अपना असर दिखा सके. और अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो ट्रांसपोर्टर को बंद कर देगा जिससे सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा. और लास्ट जो है वो रिसेप्टर पे एगोनिस्ट बाइंड होता है और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट उसके साथ में फाइट करता है, जो पहले बाइंड हो गया वो अपना असर दिखाएगा. ये ट्रांसड्यूसर इफेक्टर वगैरह का रोल बताया गया है. अब फैक्टर्स कौन से हैं जो ड्रग रिस्पॉन्स पर अपना असर दिखाते हैं, तो पहला सेल सरफेस पर रिसेप्टर की डेंसिटी, कितने ज़्यादा रिसेप्टर हैं, मैकेनिज्म जिससे कि सिग्नल जो है वो सेल में ट्रांसमिट होता है सेकंड मैसेंजर के द्वारा जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है सेल के अंदर, उसके मैकेनिज्म क्या है. तीसरा रेगुलेटरी फैक्टर क्या है, जो कि जीन ट्रांसलेशन को कंट्रोल करते हैं और प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं, वो भी ड्रग के इफेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं. रेगुलेटरी फैक्टर्स में कंट्रोल, जीन ट्रांसलेशन और प्रोटीन प्रोडक्शन. तो देखिए ये सेल दिखाई गई और सेल के ऊपर ही जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं रिसेप्टर हैं, और ऊपर से सबस्ट्रेट आकर के या ड्रग आकर के बाउंड हो रही है. तो सेल सिग्नल देता है सेकंड मैसेंजर, फिर जीन रेगुलेशन होता है, फिर प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, ये सेल में चेंजेस लाता है. जीन सेल सिग्नल जो है वो सेलुलर इवेंट कॉज करवाएगा, जीन रेगुलेशन रिसेप्टर एक्सप्रेशन को ऑल्टर्ड कर सकता है, ये चीज़ बताई गई है. अब डोज रिस्पॉन्स कर्व देखिए, थ्रेशोल्ड ED50 और सीलिंग. थ्रेशोल्ड मतलब डोज दैट प्रोड्यूसेस अ जस्ट नोटिसेबल इफेक्ट. थ्रेशोल्ड वैल्यू वो होती है जिसमें ड्रग का केवल उतना इफेक्ट दिखाई देता है जितना कि अपन नोटिस कर सके, बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं दिखाती है. जबकि ED50 ये वो डोज है जो कि 50% तक मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिखा देती है, और सीलिंग लोवेस्ट डोज है जो मैक्सिमल इफेक्ट दिखाती है. थोड़ी सी भी दवाई देंगे और बहुत ज़्यादा उसका असर दिखाई देगा, तो वो सीलिंग इफेक्ट कहलाता है. तो थ्रेशोल्ड ED50 और सीलिंग थ्रेशोल्ड
डोज दी, जो भी ड्रग की डोज आपने दी उसे केवल थोड़ा सा असर दिखाई दिया, थ्रेशोल्ड 50% तक दिख गया तो ED50, और थोड़ी सी डोज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिख गया तो सीलिंग। ये डोज रिस्पॉन्स कर्व है, थ्रेशोल्ड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट सेम ड्रग का दिखाया गया। भाई देखिए मिनिमल थेरेपेटिक इफेक्ट तो यहाँ नीचे दिखाया गया, मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट इसके साथ में दिखाया गया, थेरेपेटिक इफेक्ट में मिनिमल थेरेपेटिक इफेक्ट और फिर ये बढ़ रहा है, और एडवर्स इफेक्ट में मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट जितना आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस है वो नुकसान करेगा। ये थेरेपेटिक रेंज होती है किसी भी ड्रग की। अब ये डोज रिस्पॉन्स ठीक है, ये अपने कोई खास काम का नहीं है, ये भी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसी चीज़ लिखें। अब इफेक्ट का ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा होता है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि द टाइम दैट अ ड्रग इज एंगेज्ड ऑन द रिसेप्टर, कितनी देर तक ड्रग जो है वो रिसेप्टर पर बाइंड रहेगी, फिर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैसी जाएगी, फिर जीन कैसे रेगुलेट कर रहा है, तो ये सारे उसके इफेक्ट पर प्रभाव डालते हैं ड्रग की। अब टाइम कोर्स स्टडीज भी इंपॉर्टेंट होती है जिससे हम डोज को या डोजिंग इंटरवल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी डोज देनी है या कितने इंटरवल पर हमारे को नई डोज देनी है। इससे हम थेरेपेटिक लेवल को मेंटेन करते हैं और एलिमिनेशन के टाइम को भी हम डिटरमाइन करते हैं कि ड्रग जो है वो कितने समय बाद एलिमिनेट हो जाएगी। अब टॉलरेंस समझिए भाई क्या होता है टॉलरेंस। इफेक्टिवनेस कैन डिक्रीज विद कंटिन्यूड यूजेस रेफर टू एज टॉलरेंस। अगर आप कोई दवाई लगातार लेते रहते हो तो क्या होगा, उसका असर आपके शरीर पर दिखना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, उसी को टॉलरेंस कहते हैं कि आपके शरीर में उसकी टॉलरेंस डेवलप हो गई, अब वो दवाई दवाई की तरह काम कर ही नहीं रही है, आपके रोज़मर्रा के जीवन का जो है वो हिस्सा बन चुकी है, तो वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाना कम कर देती है, इसको अपन टॉलरेंस कहते हैं कि इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है अगर आप ड्रग को कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। टॉलरेंस जो है वो फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर और डायनेमिक फैक्टर दोनों की वजह से हो सकती है। काइनेटिक फैक्टर में जैसे अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो दैट डिक्रीज द कंसंट्रेशन अचीव्ड विद अ गिवन डोज, तो गिवन डोज का जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म उसका तेज हो चुका है। डायनेमिक फैक्टर्स में जब सेम कंसंट्रेशन जो है रिसेप्टर साइट पर आ रही है तो उससे इफेक्ट जो है रिड्यूस हो जाता है बार बार एक्सपोजर की वजह से, तो ये काइनेटिक और डायनेमिक दोनों जो चीज़ें हैं टॉलरेंस में रोल प्ले करती है। बस इसके साथ आपका ये फार्माकोडायनेमिक नाम का टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।